कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री के लिए बड़ा रिलीफ, वफाकी काबीना से ऑर्डिनेंस मंजूर, सरमायाकारी पर जराए आमदन नहीं पूछा जाएगा, सीमेंट और स्टील के अलावा तमाम मटेरियल पर विदहोल्डिंग टैक्स नहीं होगा, कम लागत हाउसिंग मंसूबों पर 90% तक टैक्स छूट होगी, हतमी मंजूरी सदर मुमलिकत देंगे। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में जबरदस्त तेजी का रुझान, डेढ़ साल बाद 100 इंडेक्स में 1500 पॉइंट्स का इजाफा, हिस्से की कीमतों में इतने बड़े इजाफे पर ट्रेडिंग रोकना पड़ी, इख्तिताम पर 100 इंडेक्स 32,831 पर बंद हुआ। मुल्क में डॉलर हुआ कम, रुपए की कदर हो गई मुस्तहकम, इंटरबैंक ने डॉलर की कीमत में 3.31 रुपए की कमी, 163.57 रुपए पर आ गया, ओपन मार्केट में भी डॉलर 3 रुपए सस्ता, डॉलर 164 रुपए पर आ गया। मुल्क की डगमगाती मईशत को IMF का सहारा मिल गया, बोर्ड ने 1,38,60,00,000 कर्ज की मंजूरी दे दी, पाकिस्तान को G20 ममालिक से भी कर्ज अदायगी में एक साल की छूट मिल गई। वफाकी हुकूमत का परेशान हाल आवाम के लिए रमजान रिलीफ पैकेज आ गया, यूटिलिटी स्टोर्स में 19 अशिया पर 50 रुपए तक कमी कर दी गई। वफाकी वजीर हमाद अजहर कहते हैं मुल्क में अशिया जरूरिया की कोई किल्लत नहीं, जखीरा अंदोजी बर्दाश्त नहीं की जाएगी, वफाकी काबीना ने जखीरा अंदोजी के खिलाफ भी ऑर्डिनेंस मंजूर कर लिया। नाजायज मुनाफाखोरी के खिलाफ सख्त एक्शन नागुजीर करार, वजीर आजम की पार्टी तर्जुमानों के इजलास में गुफ्तगू, कहा स्मगलिंग मुल्की मईशत के लिए नासूर है, जखीरा अंदोजी और मुनाफाखोरी के खिलाफ सख्त तरीन एक्शन नागुजीर है, तर्जुमानों को हुकूमती ऑर्डिनेंस पर ब्रीफ भी किया गया। पाकिस्तान में कोरोना मुतासरीन की तादाद 7,000 से तजावुज कर गई, 135 अफराद जान से गए, 5,125 अब भी अस्पतालों में जेरे इलाज, 1765 कोरोना को शिकस्त देने में कामयाब। कोरोना से बैरून मुल्क मुकीम पाकिस्तानियों की अमवात पर वजीर आजम का इजहार अफसोस, अहले खाना से ताजियत और मुतासरीन की सेहत के लिए दुआ, ट्वीट में लिखा ओवरसीज पाकिस्तानी हमारा असासा है, जर मुबादला से मुल्की तरक्की में किरदार अदा कर रहे हैं, हमें उन पर फख्र है। अवाम को तनहा नहीं छोड़ेंगे वज़ीरे आला पंजाब काजी, शेखपुरा में इजलास, कोरोना से निपटने के लिए इकदामात का जायजा, कहा गंदम खरीदारी का आगाज 20 अप्रैल से होगा, 14 मराकज कायम कर दिए गए, छोटे किसानों के हुकूक का तहफ्फुज करेंगे। कोरोना के सामने तरक्की याफ्ता ममालिक भी जमी बोस हो गए, फिरदौस आशिक अवान की प्रेस ब्रीफिंग, कहा हमें अपने घर और मुल्क को महफूज बनाना है, एहतियात के बगैर कोरोना को शिकस्त नहीं दे सकते। मुल्क के मुख्तलिफ शहरों में बादल बरस पड़े, बन्नू, मर्दान, खैबर, नौशकी, मंगोरा, कुहाट में बरसात, हंगू में जालाबारी, गंदुम और सब्जियों की फसल मुतासर, किसान परेशान हो गए, जियारत, लाहौर, कालाबाग, गुजरात, हाफिजाबाद, जहानिया में भी मूसलाधार बारिश। आए कवाली की हर दिल अजीज शख्सियत थे, पाकिस्तान के मारूफ कवाल अजीज में आका यौम पैदाइश शायर भी थे, बेशतर कवालियाँ खुद ही लिखी, उनका कलाम सुनकर लोग आज भी वजद में आ जाते हैं। आशिक बुलेटिन का बाकायदा आगाज करेंगे, आपको बताएं कि पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में जबरदस्त तेजी रही, डेढ़ साल बाद 100 इंडेक्स में 1500 पॉइंट्स का इजाफा हो गया, 100 इंडेक्स 32,831 पर बंद हो गया, हिस्से की मालियत में 220 अरब रुपए से जायद का इजाफा हो गया, मार्केट में आज 333 कंपनीज के 30,18,00,000 शेयर में कारोबार किया गया। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में कारोबार के आगाज से ही जबरदस्त तेजी की लहर,
KMI इंडेक्स में 5% इजाफा हुआ तो मार्केट में अपर लॉक लग गया। एक घंटे बाद मार्केट दोबारा खुली तो 100 इंडेक्स में 1900 पॉइंट से ज्यादा इजाफा हुआ, 33,000 की हद बहाल हो गई। तमाम सेशन के अख्तिताम पर 100 इंडेक्स 1502 पॉइंट इजाफे से 32,831 पर बंद हुआ। मार्केट में आज 333 कंपनियों के 30,18,00,000 शेयर्स में कारोबार किया गया, जिसमें 291 कंपनियों के हिस्से की कीमतों में इजाफा, 29 में कमी और 13 के शेयर्स की कीमतों में इस्तेहकाम रहा। डॉलर की कीमत में 3.31 रुपए कमी हुई है, जिसके बाद इंटरबैंक पे डॉलर 163.57 रुपए पर आ गया है। गुज़िश्ता रोज अमरीकी करेंसी की कीमत 166.88 रुपए थी। आपको एक बार फिर बताएं कि डॉलर की कीमत में 3.31 रुपए कमी हुई है, जिसके बाद इंटरबैंक में डॉलर 163.57 रुपए पर आ गया। आपको इस खबर से अपडेट कर रहे हैं, डॉलर की कीमत में 3.31 रुपए कमी हुई है, जिसके बाद इंटरबैंक में डॉलर 163.57 रुपए पर आ गया। गुज़िश्ता रोज अमरीकी करेंसी की कीमत 166.88 रुपए थी। आपको इस खबर से अपडेट कर रहे हैं कि डॉलर की कीमत में 3.31 रुपए कमी हुई है, जिसके बाद इंटरबैंक में डॉलर 163.57 रुपए पर आ गया। आलमी मार्केट में कमी के बाद पाकिस्तान में भी सोने की कीमत कम हो गई है। 10 ग्राम सोना 2,915 रुपए कमी से 83,676 रुपए पर आ गया है। फी तोला सोने की कीमत 3,400 रुपए कमी से 97,600 रुपए पर आ गई है। आम खबर है जो आपके साथ शेयर कर रहे हैं कि आपको बताएं कि आलमी मार्केट में कमी के बाद पाकिस्तान में भी सोने की कीमत कम हो गई है। 10 ग्राम सोना 2,915 रुपए कमी से 83,676 रुपए पर आ गया है। फी तोला सोने की कीमत 3,400 रुपए कमी से 97,600 रुपए पर आ गई है। कोरोना के खिलाफ पाकिस्तान को IMF का सहारा मिल गया। IMF ने कोरोना वायरस से निपटने के लिए पाकिस्तान को 1 अरब 38 करोड़ डॉलर का कर्जा देने की मंजूरी दे दी है। IMF का कहना है कि कर्जा कोरोना से मईशत पर पड़ने वाले असरात मिलेगा। IMF एग्जीक्यूटिव बोर्ड ने मंजूरी दे दी। IMF के ऐलामिये के मुताबिक एग्जीक्यूटिव बोर्ड ने तवाजुन अदायगी की सूरत हाल बेहतर रखने के लिए 1 अरब 38 करोड़ 60 लाख डॉलर की मंजूरी दी है। IMF का कहना है कि रकम से वायरस के असरात में कमी की तवक्को है। IMF पाकिस्तानी हुक्काम के साथ मुसलसल रबते में है। वायरस से पाकिस्तानी मईशत पर नुमाया असर पड़ा है। घरों में महदूद होना, आलमी मंदी, बैरूनी सरमायाकारी में गैर मामूली कमी के नतीजे में बैलेंस ऑफ पेमेंट मुतासर हुआ, जबकि पाकिस्तान के वस्त मुद्दती आउटलुक पर काफी मनफी असरात मुरतब हो सकते हैं। IMF के डिप्टी मैनेजिंग डायरेक्टर का कहना था कि कोरोना ने गैर मुल्की अदायगियों में अदम तवाजुन बढ़ा दिया। कमजोर तबके को रिलीफ देने के लिए समाजी तहफ्फुज बढ़ाने की जरूरत है। सेहत के अखराजात भी मजीद बढ़ा रहे हैं। वफाकी काबीना ने तमीराती शोबे के लिए बराती पैकेज की मंजूरी दे दी। इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस 2001 में तरामीम की गई, जिसके तहत तामीरात के शोबे में सरमायाकारी करने पर ज़राए आमदन नहीं पूछा जाएगा। सीमेंट और स्टील के अलावा तमाम मटेरियल पर कोई विदहोल्डिंग टैक्स नहीं लागू होगा। बिल्डर्स और लैंड डेवलपर्स को भी खसूसी बरात दी जाएंगी, जबकि मनी लॉन्ड्रिंग, भत्ताखोरी या दहशतगर्दी से मुतालिका रकम पर इस्तिस्ना हासिल नहीं होगी। वफाकी काबीना ने ज़खीरा अंदोजों के खिलाफ सख्त सजाओं पर मुश्तमिल ऑर्डिनेंस की भी मंजूरी दे दी, जिसके मुताबिक ज़खीरा अंदोजी में मुलविस इदारे के मुलाजमीन के बजाय मालिक के खिलाफ कार्रवाई होगी। 3 साल कैद और जब्त शुदा माल की मालियत का 50% बतौर जुर्माना आयद किया जाएगा। खबरें और भी हैं, लेकिन शामिल करेंगे इस ब्रेक के बाद। आगाज हुआ है जिसमें कोरोना से निपटने के लिए हुकूमती लाहे अमर पर तबादला ख्याल किया गया है। जखीरा अंदोजी और स्मगलिंग के खात्मे के लिए हुकूमती बयानी पर भी तर्जुमानों को ब्रीफिंग दी गई है। इसकी मजीद तफसीलात हासिल करते हैं ब्यूरो के इस्लामाबाद तारिक चौधरी से। जी तारिक चौधरी, इस इजलास के हवाले से अपडेट कीजिए। जी, मीडिया स्टडी कमेटी और तर्जमानों का इजलास जो है अभी जारी है, और इस इजलास में प्राइम मिनिस्टर ने अपनी पार्टी का नुकसान बताया है। इसके अलावा तर्जमानों को ये बताया गया है कि इस वक्त जो फैसले किए गए हैं वफाक में लॉकडाउन के हवाले से, उनकी क्या वजूहत हैं और बुनियादी उसके मकासद क्या हैं। उनको बताया गया कि बुनियादी मकसद ये था कि अवाम को तकलीफ भी ना हो और जो माशी सरगर्मियाँ जो हैं वो भी मुतासर ना हों। इसके अलावा मुल्क की जो ओवरऑल सूरत हाल है उसके बारे में जो पार्टी का बयान है वो बताया गया, और खास तौर पर जो इकोनॉमिक एक्टिविटी शुरू की गई है, स्पेशली जो कंस्ट्रक्शन सेक्टर को रियायत दी गई है उनके लिए ऑर्डिनेंस जारी किया है, इन सब चीजों के बारे में लाहेमल तैयार किया गया है और ये तय किया गया है किस तरह इस सारी चीजों को आवाम के सामने मीडिया में पेश करना है। ठीक है, तारिक चौधरी अपडेट कर रहे हैं, आपका शुक्रिया। कोरोना वायरस ने दुनिया भर की मईशत हिलाकर रख दी है। वो आपने खुसूसी फिरदौस आशिक आवान की गुफ्तगू, कहा कि मईशत और रोजगार समेत दीगर शोबों पर पड़ने वाले मनफी असरात को देखना है। ये भी कहा कि कोरोना वायरस के खिलाफ महाज बगैर मीडिया के नहीं लड़ सकते। दुनिया भर में
वो अकवाम जिनका हेल्थ स्ट्रक्चर बहुत मजबूत था, वेरी वेल डिफाइंड था, जदीद तरीन लेबोरेटरी से मुजयन वो शोबा तिब जो थे वो इस वबा के सामने जमीन बोस हो चुके हैं। दुनिया की जदीद तरीन डिजिटल टेक्नोलॉजी के साथ जुड़ा पूरे का पूरा कबीनी से देखें कि वहाँ क्या हो रहा है हमारे खित्ते में और फिर अपने मुल्क के अंदर क्या हो रहा है। जो कोरोना के खिलाफ सबसे मुअसर और हरावल दस्ते का किरदार हमारा मीडिया वर्कर अदा कर रहे हैं और जो मीडिया वर्कर है वो अपनी जान हथेली पे लेके हर उस जगह पे मौजूद है जहाँ कोरोना के मुतासर शख्स के अजीजों कारब और रिश्तेदार भी मौजूद नहीं है। वज़ीर आज़म इमरान खान से स्पीकर कौमी असेंबली असद कैसर ने मुलाकात की जिसमें मुल्की सियासी सूरत हाल, कोरोना वायरस के खसरात, मईशत चैलेंजेस और हुकूमती इकदामात पर बातचीत की गई। वज़ीर आज़म ने खुसूसी कमेटी बराए ज़रई अशनास से सिफारिशात मांगते हुए कहा कि ज़राअत के शोबे के लिए मौसर पॉलिसी और बजट में खुसूसी तवज्जो दे रहे हैं। स्पीकर असद कैसर ने कोरोना से मुतालिक पार्लिमानी कमेटी की तजावीज़ से आगाह किया तो वज़ीर आज़म ने कहा कि पार्लियामेंट अवाम की उमंगों का इदारा है, हुकूमत कोरोना से निपटने के लिए मौसर इकदामात कर रही है। कराची के कोरोना केसेस वाले इलाकों में लॉकडाउन सख्त किया जाएगा। वज़ीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह ने ऐलान कर दिया। कहा गुज़िश्ता 24 घंटों में 209 मजीद नए कोरोना के केसेस सामने आए हैं जबकि इस दौरान मजीद दो अफराद जिंदगी की बाजी हार गए हैं। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह का कोरोना की सूरत हाल पर उर्दू, सिंधी और तारकीन वतन के लिए अलग अलग वीडियो पैगाम जारी। सूबे भर में जहाँ बहक होने वालों की तादाद 47 हो गई है। 24 घंटों में 2372 यानी 2372 टेस्ट किए। इस तरीके से टोटल टेस्ट की तादाद 21,272 हो गई। पिछले 24 घंटों में 209 लोग और पॉजिटिव आए और इस तरीके से टोटल जो पॉजिटिव की तादाद है वो 2217 है। जो नए केसेस आए पिछले 24 घंटों में उनकी तादाद 77 है और मैं पहले भी इसका जिक्र कर चुका हूँ। ज़्यादा तशवीश यही है कि मुझे साउथ डिस्ट्रिक्ट में टोटल 30 केस आए हैं और इन 30 में से 24 के करीब ऐसे इलाकों के हैं जो ज़्यादा पसमानदा इलाके हैं। जो लॉकडाउन है फिर वो ज़्यादा फोकस करेगा ज्योग्राफिकल एरियाज़ को जिनमें ज़्यादा केसेस आ रहे हैं। और अभी आपको बताएं कि हुकूमत सिंध ने होम डिलीवरी के लिए कुरियर कंपनीज और राइडर्स की फहरिस्त जारी कर दी है। होम डिलीवरीज के लिए कंपनीज एसओपीज पर अमल दरामद की पाबंद होंगी। इस हवाले से मजीद तफसीलात हासिल करते हैं आज उसके नुमाइंदे काशिफ फारूकी से। जी काशिफ फारूकी, अपडेट कीजिए कौन कौन सी कंपनीज हैं और क्या ज़ाब्ता अखलाक होगा। जी बिल्कुल सबा, आपसे कुछ देर कबल महकमा दाखिला सिंध ने एक फहरिस्त जारी की है जिसमें होम डिलीवरी के लिए मुख्तलिफ कंपनीज को जो है वो मशरूत इजाजत दी गई है कि वो अद्वियात, खाने पीने की अशिया और दीगर जरूरी अशिया जो है वो घरों पर पहुंचा सकते हैं। तहम इनको 17 शराइत के तहत एक SOP दी गई है जिसका पाबंद होना जरूरी है। इस पाबंदी के मुताबिक जो इनको SOP दी गई है उसके जो कंपनियों के जो अहदेदार हैं वो उसके जमीन पर अमल दरामद कराने के जिम्मेदार हैं। सबसे अहम चीज़ है कि जो राइडर्स होंगे या डिलीवरी करने वाले होंगे उनके पास जो है वो बाकायदा तौर पर इदारे का आइडेंटिटी कार्ड भी मौजूद होना चाहिए और उनके पास उनके अथॉरिटी लेटर भी होना चाहिए कि उनको इदारे की जानब से इस काम के लिए अथॉरिटी दी गई है। ये हुकूमत सिंध की जानब से भी जारी कर दी गई है SOP जिसके बाद जो है वो अब होम डिलीवरी का सिलसिला जो है वो घरों पर शुरू हो जाएगा। ठीक है काशिफ फारूकी, अपडेट करें आपका शुक्रिया। कराची के मुख्तलिफ इलाकों में नमाज जुमा के इज्तिमात पर पाबंदी रही, मसाजिद के इतराफ सिक्योरिटी अहलकार तैनात रहे। मजीद जानते हैं जुनैद जावेद की इस रिपोर्ट में। कराची में नमाज जुमा के इज्तिमात पर पाबंदी, शहरी खिलाफ वर्जी न करें, पुलिस मसाजिद के मरकजी दरवाजों पर तैनात रही। लॉकडाउन सख्त होने की वजह से मसाजिद के इतराफ भी पुलिस ने नाके लगाए। मस्जिद में सिर्फ 5 अफराद को नमाज की इजाज़त थी। गुज़िश्ता शब वज़ीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह ने उलमाए कराम से मुलाकात की थी जिसके बाद उलमाए कराम ने भी नमाज जुम्मा के इस्तेमात में नमाजियों को एहतियात बरतने की हिदायत की थी। जुनैद जावेद, आज न्यूज कराची। हुकूमत का रमजान रिलीफ पैकेज, यूटिलिटी स्टोर पर 2.5 अरब रुपए की सब्सिडी फराहम कर दी गई। घी, चीनी, आटा, दूध और दालों समेत 19 अशिया पर 50 रुपए तक कमी कर दी गई है। शहरी खुश हैं लेकिन कुछ शहरी रिलीफ को मुनाफाखोरों से बचाने का भी मुतालबा कर रहे हैं।
ढाई अरब रुपए की सब्सिडी, 19 अशिया सस्ती, 4 से 50 रुपए की कमी। रमजान रिलीफ पैकेज आज से शुरू होगा। हुकूमत की जानिब से दिए जाने वाले रिलीफ पैकेज तमाम यूटिलिटी स्टोर पर दिया जा रहा है। सब्सिडाइज अशिया के नए रेट के मुताबिक घी 30, चीनी 15 और आटा 4 रुपए फी किलो सस्ता हो गया। मुख्तलिफ दालें 10 से 15 रुपए, जबकि बेसन पर 20 रुपए फी किलो कमी की गई। चावल पर भी 10 से 15 रुपए की सब्सिडी दी गई है। शहरी रिलीफ पैकेज को खुश आइंद करार दे रहे हैं। हुकूमत की तरफ से बड़ा रिलीफ मिला है जी, बड़ा पैकेज मिला है। शुक्र है, इस पहली हुकूमतों की तरह नहीं है ये हुकूमत। इस हुकूमत ने गरीबों के बारे में भी सोचा है। अच्छा काम है उनका, ये हुकूमत का कि इतनी यानी इतने क्राइसिस में उन्होंने ये सब कुछ दिया है। खजूर, मशरूबात, चाय की पत्ती, दूध और मसाला जात की कीमतें भी कम की गई हैं। कुछ शहरी यूटिलिटी स्टोर से ताजरों और दुकानदारों की खरीदारी की निशानदेही भी कर रहे हैं। यूटिलिटी स्टोर पे मेरे ख्याल में जो दाल मिल रही है वो सबसे लो क्वालिटी दाल है। आवाम के लिए बहुत मुफीद है और बहुत फायदा है कोरोना वायरस के हवाले से, क्योंकि अब बाहर तो रेट बहुत आते हैं, हमारे रेट गवर्नमेंट ने बहुत अच्छे कर दिए हैं। यूटिलिटी स्टोर से रमजान पैकेज के तहत सेल का हदफ 30 अरब रुपए मुकर्रर किया गया है।